हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कन्फर्मल मैपिंग में कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किए थे, चार, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन और इन्वर्जन। अब इस वीडियो से हम लोग उनको डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है ट्रांसलेशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रांसलेशन का मतलब होता है W इज इक्वल टू जेड प्लस एल्फा। W का मतलब यहां पर एफ ऑफ जेड है, W ही f ऑफ z होता है। तो f ऑफ z मतलब फंक्शन या मैपिंग हमारी है z प्लस एल्फा, जहां पर एल्फा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरह की अगर कोई भी मैपिंग हो तो वो ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन मतलब जस्ट शिफ्टिंग है, एक जगह से दूसरी जगह डायग्राम पहुंचा रहे हैं हम, और किस जगह पहुंचा रहे हैं, एल्फा दूरी पर। ये डिस्टेंस है जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जहां पर ट्रांसलेशन हो रहा है। क्लियर है? मतलब अगर मान लो हमारे पास एक सर्किल है यहां पर, जिसका सेंटर ये है, तो ये सर्किल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसी दूसरे सर्किल में जिसका सेंटर यहां पर होगा। सर्किल सेम है, एकदम सेम रेडियस का सर्किल है, बस ये जो सेंटर है वो सेंटर अल्फा दूरी शिफ्ट हो गया। यहां से इसकी दूरी थोड़ी अल्फा दूरी है। बस कोई भी डायग्राम हो सकता है, हो सकता है कोई ट्राइंगल दे रखा हो जेड प्लेन में, और वो ट्राइंगल डब्ल्यू प्लेन में शिफ्ट हो जाए अल्फा पॉइंट, तो इस तरह का बन जाएगा वो ट्राइंगल। कहने का मतलब यह है कि जेड प्लेन में जो भी चीज है उसको अल्फा दूरी शिफ्ट कर सकते हैं हम इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। प्रैक्टिकली किस तरह से होता है या क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, मैं यहां पर एक क्वेश्चन ले रहा हूं और उसको सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग देखिए। देखिए हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, पहला एग्जांपल है, मैं दो एग्जांपल्स लूंगा यहां पर। व्हाट इज द इमेज ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ द जेड प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू टू अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन दिस इन द डब्ल्यू प्लेन। हमें इनकी इमेज बतानी है इस रेक्टेंगल की, डब्ल्यू प्लेन में क्या बनेगी इमेज, मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो हमें बताना है। तो ये किस तरह का रेक्टेंगल है, मैं एक बार यहां बनाता हूं। आप देखिए ये इस तरह का रेक्टेंगल है जेड प्लेन में कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो लाइन होती है, ये लाइन आपको पता है कि वाई इज इक्वल टू जीरो लाइन होती है, और ये लाइन होती है एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो वाई इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू जीरो मैंने बना दी, एक्स इज इक्वल टू वन लाइन और वाई इज इक्वल टू टू लाइन और बनानी है। मान लो ये पॉइंट वन है, तो x इज इक्वल टू वन लाइन इस तरह से बनेगी कुछ, और y इज इक्वल टू टू लाइन इस तरह से बनेगी। तो ये इस तरह का रेक्टेंगल बन गया, कहने का मतलब। तो मैं इसको नाम दे देता हूं, ये है a पॉइंट, ये b पॉइंट, ये c और ये d। ये x इज इक्वल टू वन लाइन है, ये y इज इक्वल टू टू लाइन है। अब ये रेक्टेंगल w प्लेन में किस तरफ किस तरह से दिखेगा वो हम बताएंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज लेकर के। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देखो, ये ट्रांसलेशन ही है, क्योंकि W इज इक्वल टू जेड प्लस एल्फा है। एल्फा इस बार 2 माइनस आयोटा है, ये जो एल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हर एक पॉइंट 2 माइनस आयोटा शिफ्ट हो जाएगा, मतलब हर एक पॉइंट 2 कोमा माइनस 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, अगर पॉइंट फॉर्मेट में बात करें तो। मैं स्टार्ट करता हूं, आपको और समझ में आएगा। मैं एक बार यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, ये जो W है, W इज इक्वल टू जेड प्लस 2 माइनस आयोटा है। अब आपको ये चीज पता है कि W हमेशा होता है U प्लस आयोटा V, क्योंकि U और V एक्सिस होती है W में। और दूसरी बात, Z होता है हमेशा X प्लस आयोटा Y। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है, अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है? अब यहां पर वैल्यूज अगर रखें तो U प्लस आयोटा V इज इक्वल टू X प्लस आयोटा Y प्लस में 2 माइनस आयोटा। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे करो आप, यहां पर U प्लस आयोटा V इस तरफ रहेगा, इस तरफ के रियल पार्ट हैं X और 2, तो x प्लस 2 एक साथ, बाकी में आयोटा कॉमन आएगा, y माइनस 1 एक साथ। अब आप कंपेयर कर लो, अगर आप इनको कंपेयर करते हो तो ये बनेगा u इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड v इज इक्वल टू, देखो रियल पार्ट रियल पार्ट से कंपेयर हो गया, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से कंपेयर होगा। तो ये हमारे पास बन गए रिजल्ट में, x और u, y और v किस तरह से आपस में कनेक्टेड है, ये हमें मिल गया है। तो अब इन ट्रांसफॉर्मेशंस का क्या रिजल्ट बनेगा ये अभी समझ में आ जाएगा। देखो किस तरह से लिखना है इसको। सबसे पहले तो आप लिखोगे कि x इज इक्वल टू जीरो का क्या करना है। तो सबसे पहली बात कि x इज इक्वल टू जीरो है तो उसका क्या रिजल्ट बनेगा। x इज इक्वल टू जीरो आप यहां पर रखोगे तो कंक्लूजन मिलेगा, क्योंकि x इसी के पास है। तो ये मिलेगा u इज इक्वल टू जीरो प्लस टू, दैट मीन्स u इज इक्वल टू टू। तो जहां x इज इक्वल टू जीरो लाइन थी z प्लेन में, ये x इज इक्वल टू जीरो लाइन है, वहां W प्लेन में U इज इक्वल टू टू लाइन मिलेगी। तो मैं एक बार बना भी देता हूं साथ के साथ, तो अपने को कंफर्टेबल हो जाएगा। मैं ये थोड़ा सा छोटा बना दूं इसको, क्योंकि जगह नहीं है इतनी। ये हमारी Y इज इक्वल टू जीरो लाइन थी,
अब मैं यहां बना रहा हूं डब्ल्यू प्लेन का, ये मान लो वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये माइनस वन है, माइनस टू है, ये वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू, इस तरह से चलेगा मान लो, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो u इज इक्वल टू टू लाइन, u इज इक्वल टू टू का क्या मतलब है, ये एक्सिस u एक्सिस ही है, ये v एक्सिस है, तो u इज इक्वल टू टू लाइन इस तरह की लाइन होगी, ये है u इज इक्वल टू टू, ये इसके बदले आई है, इसके बदले ये लाइन मिली है हमें। आगे देखते हैं हम b पार्ट इसका, b में हम y इज इक्वल टू जीरो को चेक करेंगे कि इसके बदले हमें क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू जीरो यहां रखो क्योंकि इसके पास y है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू जीरो माइनस वन, तो v इज इक्वल टू माइनस वन मिल रहा है इसके बदले, तो जो y इज इक्वल टू जीरो उसके बदले v इज इक्वल टू माइनस वन मिल रहा है, v इज इक्वल टू माइनस वन ये वाली लाइन होगी, ये है v इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। आगे देखते हैं c पार्ट इसका, c पार्ट है x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन यहां रखेंगे हम, तो u इज इक्वल टू वन प्लस टू, वन प्लस टू दैट मीन्स u इज इक्वल टू थ्री हमारे पास आ रहा है, u इज इक्वल टू थ्री अगर आप बनाते हैं तो ये रहा थ्री, तो ये इस तरह का बनेगा लगभग लगभग, ये u इज इक्वल टू थ्री हो गया, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज d विच इज y इज इक्वल टू टू, और y इज इक्वल टू टू यहां रखोगे तो v आ जाएगा टू माइनस वन, दैट मीन्स v इज इक्वल टू वन, ये v इज इक्वल टू वन आप बनाते हो तो माइनस वन यहां था, वन यहां पर है, तो ये इस तरह का बनेगा v इज इक्वल टू वन, और आप देखोगे कि एक रेक्टेंगल बन गया है, बाकी कोई भी डॉटेड लाइन अपने काम की नहीं है, जो हमारे काम की लाइन है केवल मैं उसी को मार्क कर रहा हूं, ये हमारे काम की लाइन है, ये हमारा आया a डैश, क्योंकि ये जीरो जीरो पॉइंट था जो कि टू कॉमा माइनस वन पे शिफ्ट हो गया, टू कॉमा माइनस वन मतलब ये अल्फा पॉइंट, तो इसलिए इसको a डैश बोलेंगे। जो b पॉइंट था ये था वन कॉमा जीरो, इसमें टू कॉमा माइनस वन और ऐड कर दोगे तो थ्री कॉमा माइनस वन बन जाएगा, थ्री कॉमा माइनस वन यही पॉइंट है, तो ये b डैश है। सिमिलरली बाकी सब पॉइंट्स में भी देख सकते हो आप, c डैश और ये d डैश बन जाएगा, कहने का मतलब ये रेक्टेंगल थोड़ा सा राइट आके नीचे चला गया, दो डिस्टेंस आगे गया, एक डिस्टेंस नीचे आ गया और ये शिफ्टिंग हो गई इसमें, तो ट्रांसलेशन का मतलब जस्ट शिफ्टिंग है। बहुत आसान इसका फॉर्मूला बनता है, इजीली सॉल्व होता है। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, आपको उससे और समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा इससे बेहतर एग्जांपल ले रहा हूं, वो ट्रायंगल का एग्जांपल ले रहा हूं कि कैसे ट्रायंगल शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं ये हटाता हूं, देखिए आप, देखिए जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है, व्हाट इज द इमेज ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन ऑफ द जेड प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, इससे एक ट्राइंगल बन रहा है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन हमें डब्ल्यू प्लेन में चाहिए, और ट्रांसफॉर्मेशन रूल ये है कि एफ ऑफ जेड या डब्ल्यू जेड प्लस वन प्लस आयोटा के बराबर है, तो ये हमारा अल्फा हो गया, वन कोमा वन अगर इसको पॉइंट फॉर्मेट में देखे तो सारा का सारा ट्राइंगल वन कोमा वन पे शिफ्ट हो जाएगा। मैं हल्का सा बना के दिखाता हूं जेड प्लेन पे क्या बन रहा है, उसके बाद फिर डब्ल्यू प्लेन की बात करेंगे। ये एक्स है, ये वाई है, ये मान लो वन है, उधर वन है, तो ये इस तरह का ट्राइंगल बनेगा, कहने का मतलब ये है जीरो, ये वन, ये वन, तो ये जो लाइन है ये लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। आप लाइन बनाए आपको इजिली समझ में आ जाएगा ये किस तरह से बनाई हुई है, वाई इज इक्वल टू जीरो ये लाइन होती है और एक्स इज इक्वल टू जीरो ये लाइन होती है, तो ये एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, तीनों से मिलकर के ट्राइंगल बन रहा है। अब ये डब्ल्यू प्लेन में किस तरह का दिखेगा वो हम देख रहे हैं, तो स्टार्ट करें यहां से ही, तो जो w इज इक्वल टू जेड प्लस वन प्लस आयोटा है, w की जगह हम रख सकते हैं u प्लस आयोटा v, z की जगह आप रख सकते हो x प्लस आयोटा y, और ये तो अपना वन प्लस आयोटा एज इट इज रहेगा। अब देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो ये x प्लस वन हो जाएगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है, एकदम सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसमें आयोटा कॉमन लो, सब कुछ सेम चलेगा लास्ट तक, ठीक है। यहां पर कंपेयर करो आप, जब आप कंपेयर करोगे तो u इज इक्वल टू एक्स प्लस वन आ जाएगा और v इज इक्वल टू वाई प्लस वन हो जाएगा, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन बना इस रूल के अकॉर्डिंग। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो इधर देखो आप, तीन है हमारे पास चीजें जिनको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तीन लाइंस हैं, तो सबसे पहले तो आप करोगे x इज इक्वल टू जीरो का, फिर आप लोगे नंबर y इज इक्वल टू जीरो का, और तीसरे नंबर पर यह आएगा, तो x इज इक्वल टू जीरो यहां रखोगे, इसी में x है,
तो u इज इक्वल टू 0 प्लस 1, दैट मींस u इज इक्वल टू 1 यहां पर बन गया। सेम अगर y 0 रखते हैं यहां पर रखोगे आप तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 1, दैट मींस v इज इक्वल टू 1 बन गया। ठीक है, ये दो तो मिल गई। तीसरा देखो आप, तीसरा थोड़ा सा अच्छा है कंपैरेटिवली। तीसरा है x प्लस y इज इक्वल टू 1। अब थोड़ा सा अजीब सा आ गया है, अभी तक तो इतने सिंपल सिंपल से मिल रहे थे कि जिसको वैल्यू रखी आंसर मिल गया सिंपल में, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अब x प्लस y इज इक्वल टू 1 ये कोई सिंपल पॉइंट नहीं है, ये एक लाइन है प्रॉपर, वो भी दोनों की मिक्स x और y की, अभी तक ऐसा कभी भी नहीं किया हमने। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, यहां से y की वैल्यू निकाल लो और दोनों वैल्यूज को यहां डाल लो। किस तरह से, यहां से सबसे पहले वाले में से x की वैल्यू निकालोगे तो u माइनस 1 आएगी, दूसरे वाले में से y की वैल्यू निकालोगे तो v माइनस 1 आएगी, और इक्वल में 1 चल रहा है हमारा। तो फाइनल क्या रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट बना u प्लस v इज इक्वल टू 3 लाइन, ये फाइनल ट्रांसफॉर्म हुई। तो मैं एक बार बनाता हूं इसको ही कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है हमें। देखो ये 1, ये 2, ये 3, अगेन 1, 2, 3, इस तरह का कुछ हैक है, आप स्केल से बनाओगे तो एकदम प्रॉपर मिलेगा। ये लाइन होती है 3 और 3 से जाने वाली, ये लाइन है u प्लस v इज इक्वल टू 3 लाइन। अब हमें बनाना है u इज इक्वल टू 1 और v इज इक्वल टू 1, तो u इज इक्वल टू 1 तो u बन जाएगा, ये 1 से जाता हुआ u इज इक्वल टू 1 है, मैं यहां मार्क कर देता हूं 1 2 3 और 1 2 3। सेम v इज इक्वल टू 1 बनाना है तो v इज इक्वल टू 1 यू बनेगा। अब आप थोड़ा सा नोटिस करें तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया फाइनल, ये फाइनल ट्राइंगल है। ये पॉइंट अगर ए बी और सी है तो ये ए डैश बी डैश और सी डैश हो जाएगा, क्योंकि 0,0 वाला पॉइंट 1,1 पे शिफ्ट हो गया, ये 1,1 ही है अगर इसको पॉइंट फॉर्मेट में देखो तो 1,0 वाला पॉइंट 1,1 ऐड होकर के 2,1 पे शिफ्ट हो गया, ये 2,1 है। सेम ऐसे ही 0,1 वाला जो पॉइंट है उसमें 1,1 ऐड करोगे तो 0 प्लस 1 1,2 पे शिफ्ट हो गया, ये 1,2 पॉइंट है। तो ये a डैश b डैश c डैश, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो आप, ये ट्राइंगल बड़ा है और ये छोटा बन गया, वो इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर 1 डिस्टेंस इतनी बड़ी ली थी, यहाँ जगह की थोड़ी शॉर्टेड थी तो 1 डिस्टेंस थोड़ी छोटी ली है हमने। तो अगर स्केलिंग आप बराबर करोगे तो सेम ही डायग्राम मिलेगा आपको, बिल्कुल भी बड़ा छोटा नहीं मिलेगा, जस्ट ये उठा करके शिफ्ट किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि किस तरह से शिफ्टिंग होती है, वो w इज इक्वल टू z प्लस अल्फा रूल के अकॉर्डिंग शिफ्टिंग होती है हमेशा, ट्रांसलेशन का एक ही रूल है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ट्रांसलेशन में कुछ खास नहीं है, सिंपल आप कंपेयर करोगे अपने आप आंसर बनता चला जाता है और उसको प्लॉट करते हैं फाइनल आंसर आपको मिल जाता है। तो नेक्स्ट हम एक बार लेते हैं मैग्निफिकेशन और उसमें देखते हैं कि किस तरह से चेंजेस आते हैं। देखिए देखिए नेक्स्ट है हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का रूल होता है w इज इक्वल टू अल्फा z, w means again f of z भी कह सकते हो आप, f of z is equal to alpha z, यहाँ पर alpha real number है, पिछले वाले में alpha हमने complex number लिया था, यहाँ पर real number है। ये scaling factor है कि magnification का मतलब है जो z plane में diagram होगा या z plane में जो point होगा उसको magnify कर देगा, ये उसको बड़ा कर देगा छोटा कर देगा, मतलब उसमें कुछ कुछ multiply हो जाएगा, कुछ divide हो जाएगा, इस तरह का कुछ होगा। तो यहाँ पर अल्फा रियल नंबर लेना है, यही स्केलिंग फैक्टर है, ये अगर एक से बड़ा हुआ तो ओरिजिनल डायग्राम बड़ा हो जाए, बड़ा होके मिलेगा, अगर ये 0 से 1 के बीच में हुआ तो ओरिजिनल डायग्राम छोटा होके मिलेगा रिजल्ट में हमें। तो सारा खेल है अल्फा का यहां पर। मान लो आपके पास कोई रेक्टेंगल है और उसको ट्रांसफॉर्म करना है, अगर उसको डबल करना है, मतलब यहां अल्फा की वैल्यू 2 है तो ये डबल हो जाएगा हर जगह से, ये यूं डबल हो जाएगा, ये यहां से भी डबल हो जाएगा, यहां से भी डबल हो जाएगा, इस तरह से मैग्नीफाई हो गया ये। अगर मान लो ट्रायंगल है, ट्रायंगल दे रखा है आपको और स्केलिंग फैक्टर अगर आपने 0 से 1 के बीच में ले लिया तो ये छोटा हो जाएगा, तो ये इस तरह से छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, शिफ्ट नहीं होगा, ना ही इधर उधर घूमेगा, रोटेट भी नहीं होगा, शिफ्ट भी नहीं होगा, सिर्फ या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा उसी जगह पर। तो इस तरह की चीज को बोलते हैं मैग्निफिकेशन, वो इस रूल के अकॉर्डिंग होता है। मैं यहां पर दो एग्जांपल्स ले रहा हूं, जो हमने ट्रांसलेशन में दो एग्जांपल्स लिए थे वही दो एग्जांपल्स मैं इसमें ले रहा हूं।
तो पहला एग्जांपल सेम है उसमें, व्हाट इज द इमेज ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ जेड प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू 2z इन डब्ल्यू प्लेन। सेम टू सेम काम करना है, बस ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हुआ है, लाइन सेम है। तो मैं एक बार बनाता हूं इसको, इसी को अगर आगे कंटिन्यू करें तो हमें पता है कि W होता है हमेशा U प्लस आयोटा V और Z होता है X प्लस आयोटा Y, ये फिक्स्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें जो चेंजेस होंगे वो होंगे, देखो ये हो जाएगा U प्लस आयोटा V इज इक्वल टू 2 टाइम्स X प्लस आयोटा Y, जिसको आप लिख सकते हो U प्लस आयोटा V इज इक्वल टू 2X प्लस आयोटा 2Y। अब अगर आप कंपेयर करो तो बहुत इजीली कंपेयर हो रहा है, U की वैल्यू 2x हो रही है और V की वैल्यू 2y आ रही है यहां पर, तो बहुत आसानी से कंपेयर कर लिया हमने। अब हमें बस इन चारों को लेकर के इनके ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने कि क्या बनेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं x इज इक्वल टू 0, अगर आपने x इज इक्वल टू 0 लिया तो यहां 0 रखने के कारण U भी 0 बन जाएगा। दूसरा अगर आप लो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 का ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखें तो y 0 यहां रखेंगे तो v इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तीसरा है x इज इक्वल टू 1, अगर x इज इक्वल टू 1 यहां रखते हो तो u इज इक्वल टू 2 मिलेगा ट्रांसफॉर्म होकर के। और लास्ट y इज इक्वल टू 2 का ट्रांसफॉर्मेशन यहां 2 रखने पर v इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 मिल जाएगा आपको। अब हम ये चारों तो प्लॉट होंगे Z प्लेन में और ये चारों उसके ट्रांसफॉर्मेशन प्लॉट हो जाएंगे W प्लेन में। मैं यहां प्लॉट करके बता रहा हूं आपको, देखिए किस तरह से बनेगा ये। तो सबसे पहले तो Z प्लेन की बात कर लें हम, ये है X, ये है Y, तो X इज इक्वल टू 0, Y इज इक्वल टू 0, ये सब बनाता हूं मैं। आपको पता है कि ये लाइन होती है X इज इक्वल टू 0 और ये लाइन होती है Y इज इक्वल टू 0, और मैं मार्किंग अगर उसमें करूं 1, 2 ये सब स्केलिंग की, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 ये वाला बनेगा, इस तरह का रेक्टेंगल बनेगा। ये a पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट हो गया, ये c और ये d। मैंने थोड़ा पास पास इसलिए लिया है ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी रहे, इधर चार पॉइंट तक जाना है डब्ल्यू प्लेन में, इसलिए थोड़ा सा पास पास ले लिया। तो ये हो जाएगी हमारी लाइन अगर मैं यहां लिखूं तो x is equal to 1 और ये है y is equal to 2, ये हमारा रेक्टेंगल है जो कि z प्लेन में है। अब इसको w प्लेन में ट्रांसफॉर्म करना है तो w प्लेन में क्या बनेगा देखिए आप, अगर इसी तरह का डायग्राम w प्लेन में बनाए तो ये है 0 पॉइंट, अगेन 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब देखिए u और v, सबसे पहले तो ये u एक्सिस है, ये हमारी v एक्सिस है, और ये सिमिलरली u इज इक्वल टू 0 लाइन हो गई और ये v इज इक्वल टू 0 लाइन हो गई, तो दो लाइंस तो यही है और बाकी की क्या मिलेगी, u इज इक्वल टू 2। u इज इक्वल टू 2 का मतलब है ये यहां से यूं जाएगी, और v इज इक्वल टू 4 का मतलब है ये है 4, v इज इक्वल टू 4, तो v इज इक्वल टू 4 और u इज इक्वल टू 2 अगर आप बनाओ तो इस तरह का रेक्टेंगल बनेगा, जिसमें ये तो हो गया u इज इक्वल टू 2 और ये हो गया v इज इक्वल टू 4। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, a पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो गया, ये a डैश हो गया, b पॉइंट का डबल होकर के b डैश मिल गया, c पॉइंट जो हमारा 2,1 था उसका डबल हो गया 4,2 मिल गया c डैश, और d पॉइंट जो हमारा 0,2 था उसका डबल होकर के 0,4 मिल गया। तो स्केलिंग फैक्टर यहां पर 2 था इसलिए हर एक पॉइंट डबल होकर के मिला है। आप देखो यहां पर जूम हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो स्केलिंग फैक्टर यहां पर 1 से बड़ा था इसलिए बड़ा होकर मिला डायग्राम। अगर यही चीज 0 से 1 के बीच में होती कोई, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, तो डायग्राम थोड़ा छोटा होकर के मिलता। तो ये होता है बस स्केलिंग में, ये होता है मैग्निफिकेशन में, कुछ भी खास नहीं है ज्यादा, सिंपल आपको इसको ब्रेक करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करने के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन चेक कर लेना है, डायग्राम बनाते ही आंसर आ जाएगा। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, वही ट्रायंगल वाला जो पिछले वाले में लिया था, सेम एग्जांपल से कंपेयर करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं। देखिए इस बार जो एग्जांपल लिया है वो ट्रायंगल वाला लिया है, सेम ट्रायंगल जो हमने ट्रांसलेशन में देखा था, और इस बार जो मैपिंग है वो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2z है। मैंने यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 1 से कम ले ली ताकि डायग्राम में छोटा होके मिले, बड़ा वाला हमने देख लिया था पिछला एग्जांपल, इस बार छोटा वाला देखते हैं हम लोग किस तरह से डायग्राम ओरिजिनल डायग्राम का छोटा हो जाएगा। तो
तो स्टार्ट करें, सबसे पहले तो W की वैल्यू यहां पर रखो, U प्लस आयोटा V इज इक्वल टू 1/2, Z की वैल्यू आप रखो X प्लस आयोटा Y, तो यहां पर बनेगा U प्लस आयोटा V इज इक्वल टू X बाई टू प्लस में आयोटा Y बाई टू। अगर आप कंपेयर करते हो तो बहुत इजीली हमें समझ आ जाएगा कि U की वैल्यू है X बाई टू और V की वैल्यू है y by 2, रियल पार्ट रियल से, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से कंपेयर होकर के ये फाइनली मिलेगा। इसके बाद उन चारों का इन तीनों का ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। तीनों कौन कौन से? पहला तो है हमारा x is equal to 0, अगर x 0 रखते हैं तो यहां पर u is equal to 0 by 2, u is equal to 0 ही मिलेगा। दूसरा अगर देखें y is equal to 0, y is equal to 0 अगर यहां रखते हैं तो v is equal to 0 by 2, v is equal to 0 मिलेगा। तीसरा आप देखो x plus y is equal to 1, तो x plus y is equal to 1, इस तरह के जो मिक्स आ जाते हैं ना x और y में, उस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे सॉल्व करना होता है, ये हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो, रिजल्ट हमारा u और v में चाहिए, बस बात इतनी है, x और y हटाने हैं हमें, तो यहां से हट जाएगा, यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से y की वैल्यू मिल रही है इजिली, आप रख दो, यहां से मिल रहा है 2u और इधर से मिल रहा है 2v इक्वल में 1, तो ये आ गया u प्लस v इज इक्वल टू 1/2, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है सिंपल। तो तीनों का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। मैं यहां पर प्लॉट कर रहा हूं तीनों को, सबसे पहले तो z प्लेन के ये तीनों प्लॉट करें, उसके बाद w प्लेन के वो तीनों प्लॉट करेंगे, देखिए किस तरह से बनेगा। z प्लेन का बना रहा हूं सबसे पहले मैं, ये x और ये y, ये हमारा z प्लेन का बनेगा। मान लो ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, यहां 1/2 कहीं आएगा हाफ, और यहां 1/2 आएगा कहीं हाफ, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बना, आप इसको देखें तो ये x प्लस y इज इक्वल टू 1 लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 0 लाइन है, और ये वाली जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 0 लाइन है। ये तीनों हमने z प्लेन की बना दी है। w प्लेन की बारी है, w प्लेन में किस तरह से बनेगा, w प्लेन में बनेगा इस तरह से, ये इतनी ही डिस्टेंस लगभग मैं ले रहा हूं, ये 1 है और सेम लगभग इतनी ही 1 है। अगर आप स्केल से प्रॉपर बनाएंगे तो डायग्राम काफी अच्छा बनेगा। अभी बात करें ये हाफ हाफ की, अगर इस लाइन को आप प्लॉट करोगे ना तो ये लाइन इस तरह की बनेगी, ये हाफ से जाएगी दोनों में। मैंने डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करी है, लाइन ड्रॉ करना बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं दो पॉइंट्स लेकर के। दूसरी बात, पहले तो मैं ये लिख दूं कि यू प्लस वी इज इक्वल टू हाफ है, और ये लाइन है v इज इक्वल टू 0, और ये है u इज इक्वल टू 0, ये हमने बना दी। आप नोटिस करेंगे ये डायग्राम छोटा हो गया, क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 से कम थी। अगर अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो डायग्राम बड़ा हो जाएगा ओरिजिनल से, अगर अल्फा की वैल्यू 1 से कम होगी तो डायग्राम ओरिजिनल से थोड़ा छोटा हो जाएगा, शिफ्ट नहीं होगा ना रोटेट होगा, बस छोटा और बड़ा हो जाएगा, इसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप आराम से कर सकते हो, आपको बस ये लेकर के इसको आगे एक्सपेंड करके कंपेयर करना है, उसके बाद जिस चीज को ट्रांसफॉर्म करने को बोला है उस चीज को अलग अलग लेकर के आप आराम से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो इस वीडियो में दो चीजें तो हमने सीख ली है, एक तो ट्रांसलेशन और एक मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रोटेशन और इन्वर्जन की बात करेंगे और उनको डिटेल में विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।